अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम कपास की फील्ड के अंदर हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पहले वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कपास की 3 डे की जर्मिनेशन दिखाई थी जिसमें कपास निकली भी नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसी क्रॉप पर खड़े हैं दोबारा। तो इससे तकरीबन 8 से 10 दिन हो चुके हैं और माशाल्लाह फाइनली इसकी जर्मिनेशन हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को आज इसकी जर्मिनेशन दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और खूबसूरत अंदाज़ में जर्मिनेशन इसकी हुई है। तो आएँ आप लोगों को विज़िट करवाते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आएँ दोस्तों आप लोगों को कपास की फील्ड का आज भरपूर विज़िट करवाते हैं। जी आप देख सकते हैं ये कपास की जर्मिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं ये इसकी जर्मिनेशन जो है तकरीबन 8 से 10 दिन के अंदर आ जाती है। इस कपास को तकरीबन 10 दिन होने वाले हैं, और ये देखिए माशाल्लाह आपके सामने ये निकल चुकी है, 2 से 3 लीव पर आ गई है। मज़ीद मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप कपास की जर्मिनेशन माशाल्लाह बहुत ही अच्छी निकल आई है। ये तकरीबन 80% जर्मिनेशन है ये, और इस क्रॉप को लगी हुई को कोई 10 दिन होने वाले हैं, 10 दिन हो चुके हैं, 9 से 10 दिन। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी निकली है। मैं आपको और दिखा देता हूँ, और विज़िट करवा देता हूँ आगे। ये आप सामने देख सकते हैं, ये देखिए माशाल्लाह जर्मिनेशन बहुत ही अच्छी हुई है इसकी कपास की। अभी इसके ऊपर तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद जो है ना इस पे फर्टिलाइज़र खाद लगाई जाएगी पानी के साथ। बाकी मैं आप लोगों को इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कि ये कितने दिन में तैयार होगी और इसके ऊपर कितनी फर्टिलाइज़र खाद लगती हैं और इसके ऊपर जो मर्ज आते हैं उसके ऊपर कौन कौन से स्प्रे करवाते हैं। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इंशाल्लाह चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोगों के सपोर्ट के साथ मुझे हौसला अफज़ाई मिलती रहेगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।